देश की राजनीति में नारों की ताकत से उम्मीदवारों का खेल बनता और बिगड़ता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी तक नारों की बदौलत सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में भी नारे लोगों को लुभा रहे हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस का हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की हो या जनता कहेगी दिल से कांग्रेस फिर से, पीछे भाजपा भी नहीं है। उनके नारों में नरेंद्र मोदी का जिक्र है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ के करिश्मे से इंदिरा और समकालीन नेताओं पर भारी पड़ी, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के नारे इंदिरा हटाओ देश बचाओ की आंधी में आयरन लेडी टिक ना सके। हालात ये हो गए कि खुद रायबरेली में हार गए। हालांकि श्रीकांत वर्मा ने जब नारा दिया जात पर नापात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो जनता ने फिर इंदिरा का साथ दिया। 1965 में जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा तो खाद्य पदार्थों की भारी कमी पड़ गई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को तरक्की की दिशा दिखाई तो कांग्रेस को बड़ी जीत भी हासिल हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया, इंदिरा तेरी ये कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। सहानुभूति के इस नारे का जबरदस्त असर रहा और जनता की पूरी सहानुभूति कांग्रेस को मिल गई और हाथ लगा 2/3 बहुमत। जब राजीव गांधी पहला चुनाव लड़े और उनका नारा था, उठे करोड़ों हाथ हैं राजीव जी के साथ हैं, जिसका पार्टी को खूब लाभ मिला। भाजपा ने अब की बार अटल बिहारी नारे से कांग्रेस को ऐसा जोर का झटका दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। 1996 में वाजपेयी की भ्रष्टाचार मुक्त छवि को लेकर बनाए गए नारों को लेकर सत्ता में आई भाजपा 2024 में इंडिया शाइनिंग के अपने ही नारे में चमक खो बैठी और सत्ता से दूर हो गई। नारों से चुनावी चौसर बिछाने में भाजपा भी पीछे नहीं रही, उसने भी सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को चुभते नारे गड़े। ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल, आपका वोट राम के नाम, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो मंदिर का निर्माण करो, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो केवल झांकी है काशी मथुरा बाकी है। 2024 में ही भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ पर जोर दिया। नारे का लोगों पर इतना असर हुआ कि उसने कांग्रेस को सत्ता पर बैठा दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने 2011 में नारा दिया माँ माटी और मानुष, जिसके सहारे उनको पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ चुटकुले चुनावी नारे। राजद, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। कांग्रेस, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। सोनिया नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आम आदमी के बढ़ते कदम हर कदम पर भारत बुलंद। कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, उठे हजारों हाथ सोनिया जी के साथ। इन नारों ने भी खींचा ध्यान। सपा, यूपी में है दम, जुर्म यहाँ है कम। बड़ी बड़ी हवा चली, बदला बदला मौसम, कायम रहे उत्तर प्रदेश, कायम रहे मुलायम। गुंडा चढ़ गया हाथी पर, गोली मारी छाती पर। बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बसपा, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगा दो हाथी पर। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, बाबा साहब मिशन तेरा काशी राम करेगा पूरा। बीएसपी की क्या पहचान है, नीला झंडा हाथी निशान है। पत्थर रख लो छाती पर, बटन दबा दो हाथी पर। बहरहाल देश की सियासत हो या प्रदेश के, ये नारे काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन सियासी नारों ने किसी की कश्ती पार लगाई तो किसी की कश्ती मझधार में फंसा दी। #ब्यूरो रिपोर्ट।